नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम इस न्यू नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। और ये नोटिस है कांस्टेबल जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है। तो जो स्टूडेंट कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और इसमें क्या बताया है ये पूरा मैं ट्रांसलेट करके बताऊँगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ से पढ़ते हैं हम, एप्लीकेंट्स ऑफ कांस्टेबल जीडी यानी जनरल ड्यूटी इन सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ एंड राइफलमैन इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2018 में प्लीज नोट दैट द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सेड एग्जामिनेशन वॉज स्टार्टेड ऑन 25 जुलाई 2018। हाउएवर Due to very heavy load of applications, the new website of the commission has become very slow and candidates are facing problem in one-time registration and submission of online application. देखिए, इसका जो रजिस्ट्रेशन था वो 25 जुलाई को शुरू हुआ था, लेकिन हैवी लोड की वजह से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने में। ठीक है, तो इसीलिए इस साइट को, इस एप्लीकेशन लेने की जो प्रोसेस है, इसको कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। लेकिन कब तक बंद किया गया है और इसके क्या इफेक्ट होंगे ये हम आगे पढ़ेंगे। टू मिटिगेट द इनकन्वीनियंस कॉज टू कैंडिडेट्स, इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू टेम्परेरली विद होल्ड रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। मतलब आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना है उसको बंद कर दिया गया है 28 तारीख से, 28 जुलाई 8 बजे से उसको बंद कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। फॉर ए पीरियड ऑफ 20 डेज, मतलब 20 दिन तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं ही कर पाएंगे जीडी के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, और ये बाद में खुल जाएगा। तो इसको कब तक बंद किया गया है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टेम्परेरी सस्पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 28 जुलाई 2018 से 16 अगस्त 2018। 28 जुलाई 2018 से 16 अगस्त 2018 यानी 20 दिनों के लिए ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लेना जीडी के लिए बंद कर दिया गया है क्योंकि वेबसाइट पर काफ़ी लोड आ रहा था और स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी। द कमीशन वुड बी ऑगमेंटिंग द कैपेबिलिटी ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम कमेंसुरेट विद द लोड विच इज लाइकली टू इंक्रीज ड्यूरिंग इंसुइंग डेज। इसका मतलब यह है कि इन 20 दिनों में कमीशन जो है इसकी कैपेबिलिटी जो है ऑनलाइन सिस्टम की वो लोड के अकॉर्डिंग बढ़ाएगा, जितना लोड है उसके अकॉर्डिंग इसकी कैपेबिलिटी बढ़ाएगा। और 17 तारीख से आप रजिस्ट्रेशन इसमें कर पाएंगे, 16 तारीख तक ये बंद रहेगा क्योंकि इस पर लोड काफ़ी ज़्यादा है। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द न्यू वेबसाइट, मतलब कैंडिडेट जिनने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर दिया है नई वेबसाइट पर, उनका जो डेटा है, उन्होंने जो भी फिल किया है वो सिक्योर है पूरी तरीके से एंड कमीशन एंड दैट दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। ठीक है, उनको फिर से रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है उनको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जिनका नहीं हो पाया है वो 17 अगस्त से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड ऑन द न्यू वेबसाइट आर एश्योर्ड दैट देयर डेटा इज सिक्योर विद द कमीशन, उनका जो डेटा है वो कमीशन के साथ सिक्योर है एंड दैट दे विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन। इट मे बी नोटेड दैट रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वुड कमेंस, देखिए 17 तारीख से शुरू होगा 10 बजे से, ये फिर से री रजिस्ट्रेशन जो आपका स्टार्ट होगा वो 17 अगस्त 2018 से 10 बजे से शुरू होगा। अकॉर्डिंग द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द सेड एग्जामिनेशन वुड बी एक्सटेंडेड अप टू, और उसके बाद 17 अगस्त से 17 सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा 5 बजे तक। यानी आप अपना रजिस्ट्रेशन फिर से यदि करना चाहते हैं तो 17 अगस्त 2018 10 बजे से लेके 17 सितंबर 5 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं। पेमेंट थ्रू चालान्स ऑफ SBI कैन बी मेड एट द डेजिग्नेटेड ब्रांचेस ऑफ SBI विद इन द बैंकिंग आवर्स अप टू 20 सितंबर 2018। यदि आप चालान से पेमेंट करना चाहते हैं तो 20 सितंबर 2018 तक आप कर सकते हैं, वैसे 17 तक कर सकते हैं लेकिन चालान के थ्रू आप 20 सितंबर 2018 तक कर सकते हैं। प्रोवाइडेड द चालान्स हैव बीन जनरेटेड बिफोर द क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशन अदर टर्म एंड कंडीशंस विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, तो ये 20 तारीख तक आप चालान के थ्रू आप इसमें जमा कर सकते हैं। तो ये कांस्टेबल जीडी
का जो एग्ज़ाम भर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और इसी के अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन लें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।